चलिए खबरों में अब रुख करवाते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की ओर। जालौन जिले के कालपी कोतवाली क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास झाड़ियों के अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ट्रेन से गिरकर महिला की मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही फील्ड यूनिट के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले में दर्ज जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की है, जहां कोतवाली क्षेत्र के नगर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर खड़े आयसर ट्रक को चोरों ने पार कर दिया। बताया जा रहा है कि ट्रक मालिक रात को ट्रक पेट्रोल पंप पर खड़ा कर अपने घर चला गया था और फिर जब सुबह मौके पर पहुंचा तो ट्रक गायब था, जिसकी शिकायत पुलिस से की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जाँच शुरू कर दी है। जालौन के रहने वाले धूप खाना है। क्या काम इधर चलते हैं अपने घर। अच्छा, क्या हुआ? अरे सुबह आए जब गाड़ी देखी, गाड़ी यहाँ से चोरी चली गई। कौन सी गाड़ी थी? आयशा ट्रक था सर। अच्छा, उसके बाद छानबीन करी, कैमरे में दिखवाया सीसीटीवी में, उसमें गाड़ी 3:02 पर गाड़ी यहाँ से निकल गई। आपने कोतवाली में सूचना दी? कोतवाली में सूचना अभी नहीं दी, 100 नंबर को सूचना दी थी सर। तो उसने कोतवाली में आज सीओ साहब नजर आए थे, वो देर रात को चले गए। जालौन के रहने वाले धूप खाना है। क्या काम? इधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ डकैतों का गिरोह गया। औरैया के 6 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इंद्रगढ़ थाना पुलिस ने औरैया बॉर्डर पर डकैतों को गिरफ्तार किया, जो किसी बड़ी डकैती की योजना बना रहे थे। डकैतों के पास से अवैध असला बरामद किया गया है। पकड़े गए बदमाशों ने इंद्रगढ़ और तिरवा क्षेत्र में लूट की बात कबूली है। फिलहाल पुलिस सभी की क्राइम हिस्ट्री जांचना शुरू कर दी है। थाना इंद्रगढ़ पुलिस में बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। रात्रि में औरैया कन्नौज की बॉर्डर पे थाना इंद्रगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक जाइलो गाड़ी को रोका गया। जाइलो गाड़ी में 6 लोग मिले और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 2 तमंचे, 4 कारतूस, 315 बोर, 4 डंडे, काले कपड़े 3, 1 सफ़ेद रुमाल और अन्य औजार इनके पास से बरामद हुए। ये लोग से जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ ये सभी लोग ग्राम तिरको औरैया के रहने वाले हैं। इन सभी ये लोग सभी लोग अपराध करने के लिए निकले हुए थे और टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इनको बीच में पकड़ा। इनसे जो पूछताछ के क्रम में ये भी संज्ञान में आया कि इनके द्वारा पूर्व में थाना इंद्रगढ़ में एक शराब ठेके से जो कर्मचारी जा रहे थे उनके साथ भी लूट की घटना करी थी, तथा थाना तिरवा में भी इन्होंने एक जगह अटेम्प्ट किया था, वहाँ पर ये लोग विफल हुए थे। दोनों प्रकरणों में पूर्व में मुकदमा पंजीकृत है। जो अपराधी गिरफ्तार किए गए उनका नाम अनिरुद्ध शुक्ला, अश्विनी कुमार, कमलेश कुमार, बबलू राठौर, शोभरन सिंह, करण सिंह नाम है। ये सभी लोग ग्राम तिरको औरैया के रहने वाले हैं। इनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके ऊपर डकैती की योजना बनाने का मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो पूर्व में इनके द्वारा जो घटनाएँ की गई है उनके ऊपर पूर्व से ही मुकदमा पंजीकृत था। अन्य जो इनका आपराधिक इतिहास है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। थाना इंद्रगढ़ पुलिस में बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। रात्रि में और